है कि परिवारवाद वंशवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, खास करके देश की बड़ी हस्तियों के घरानों में यही होता है। चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हो, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप हो या फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इन सभी ने अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलकर राजनीति में अपना कदम रखा। हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, जो एक ऐसा नाम है जो काम क्या करता है इसका फैसला कर पाना बहुत मुश्किल है। सच में एक साथ इतने कामों को बेहतरीन अंदाज में पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिखाया है। बता दें 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी बेटी राबिया सिद्धू ने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की है। राबिया ने सबके सामने कबूला है कि वो जल्द ही राजनीति में कदम रखेंगी। आगे अपनी बात को करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पापा नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति में आने की अनुमति देते हैं तो वो जरूरी राजनीति में आएंगे, और साथ ही कहा कि अगर इससे पंजाब को फायदा होगा तो बिल्कुल राजनीति में ही आना सही समझेंगे। और साल 2013 में राबिया ने सिंगापुर के लसल्ले कॉलेज ऑफ द आर्ट्स में फैशन डिजाइन कोर्स में स्टडी की है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।